नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबी गंगा, मैं हूं स्नेहलता और वक्त हो गया है इस वक्त की चार बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का, क्योंकि आप देख रहे हैं न्यूज एट फोर। अब तक की चार बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएं तो सबसे पहली बड़ी खबर यूपी चुनाव से जुड़ी है, जिसे लेकर आज लखनऊ में बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली हुई जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। दूसरी बड़ी खबर रायबरेली से है। आज कांग्रेस के गढ़ से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हुंकार भरी। तो वहीं तीसरी बड़ी खबर वाराणसी में हुए देश भर के महापौर सम्मेलन से जुड़ी है, 120 शहरों के महापौर शामिल हुए हैं। तो चौथी बड़ी खबर कुन्नूर हादसे का शिकार हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की अंतिम विदाई से जुड़ी है। देश ने आज वायुवीर वरुण को नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी है। तो उधर लखनऊ में बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली हुई, जिसमें 2022 चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन किया गया। रैली में शामिल होने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उन्होंने कहा कि बीजेपी गरीबों और पिछड़ों की सरकार है। आज यूपी में माफियाओं की खैर नहीं। जहां योगी सरकार यूपी में गुंडा राज खत्म करने का काम कर रही है, तो वहीं विपक्ष समाज को बांटने पर लगा है। अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत जय श्री राम के नारों के साथ की। मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, ये सपा बसपा कांग्रेस ने कई सालों तक देश और उत्तर प्रदेश में शासन किया या नहीं किया? जोर से बोलो, किया या नहीं किया? भाई गरीब के घर में गैस आया था क्या? जोर से बोलो, आया था क्या? गैस किसने पहुंचाया? मोदी जी ने पहुंचाया नहीं पहुंचाया बोलो, किसने पहुंचाया? हर घर में शौचालय किसने पहुंचाया? हर गरीब को घर किसने दिया? हर गरीब के घर में पीने का पानी कौन पहुंचा रहा है? हर गरीब के घर में 1-5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का कार्ड देने का काम किसने किया? भाई ये सारे काम गरीबों के हुए तो निषाद समाज के हुए या नहीं हुए? तो वही लखनऊ में हुई बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में 2022 में बीजेपी गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया। इसके साथ ही राम मंदिर का जिक्र करते हुए विपक्ष पर हमला भी बोला। ये प्रदेश भर से जो निषाद उमड़ कर आए हैं वो बताता है कि 2022 में 300 पार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इतने सालों तक प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से किसने रोका? आप सभी को मालूम है, मुझे भी मालूम है, मगर अब जब मोदी जी की सरकार आपने 2/3 बहुमत से बनाई, पूर्ण बहुमत से बनाई, मोदी जी ने कुछ ही समय पहले आकाश से भी ऊंचे गगनचुंबी प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव डालने का काम किया है, नींव डालने का काम। बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली में सीएम योगी भी हुंकार भरते नजर आए, सपा सरकार पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि 2015-16 में निषाद राज संजय निषाद की हत्या कराने की कोशिश भी की गई थी। याद करिए 2015-16 में जब समाजवादी पार्टी की उस समय की सरकार जब वहां पर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रही थी, और भाइयों बहनों उस अव्यवस्था के माहौल में जब डॉक्टर संजय निषाद की हत्या करने का पिछली सरकार ने प्रयास किया था, उस प्रयास को, उस दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब गोरखपुर में सांसद रहते हुए तब मैंने ही दिया था। सीएम योगी ने यहाँ ये भी कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। अयोध्या में आज राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। निषाद समाज ने हमेशा श्री राम को याद किया है। याद करिए जब भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था, तो सबसे पहले भगवान राम का की अगवानी और भगवान राम का
विश्वस्त मित्र बन करके जिसने कहा था, जिन्होंने कहा था ये राम आपको अयोध्या से निकाला गया होगा, मेरा जो श्रृंगवेरपुर का राज्य है आप इसका राज करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और निषाद राज ही थे, वे आपके पूर्वजी थे, और इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी निषाद भारत का, निषाद समुदाय का न्यायी कोई भी होगा वह सबसे अधिक प्रसन्न हुआ होगा जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास किया था। और उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं, ये तो दिखता है। कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचे अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा लोग ऑक्सीजन के लिए सड़कों पर दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, और आज सरकार झूठ पे झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, यहाँ बेरोजगारों को लाठी से पीटा जाता है। तो वहीं गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन से पहले ही सीट बंटवारे पर सपा का फैसला हो चुका है, सपा के फैसले विरोधियों की समझ से बाहर की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जनता को पिछले 4.5 साल में दिक्कत, जिल्लत और किल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका ऐसा है कि जिसमें दिक्कतें पैदा हो रही जनता के सामने, हर चीज की किल्लत हो रही है और हर वर्ग के लोग आज अपमानित महसूस हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इस बार तभी गठबंधन अनाउंस किया जब सीटों पर चर्चा हो गई, जब सीट कौन कैसी पाएगा, जब वो लगभग बात पूरी हो गई, उसके बाद ही किसी दल के साथ गठबंधन तय किया पार्टी ने। दिल्ली से खबर है, सपा सांसद शफीकुर रहमान बर का फिर विवादित बयान सामने आया है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 करने के प्रपोजल पर उन्होंने ये बयान दिया है। कहते हैं उम्र बढ़ने से लड़कियां और ज्यादा आवारगी करेंगी। आपको बताएं कि कल ही शादी की उम्र को लेकर यह नया बदलाव सामने आया है, ये 18 से 21 साल कर दिया गया। इस प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट की मुहर लगी है। कानूनी शक्ल देने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन किया जाता है। केंद्र सरकार संसद में प्रस्ताव पेश करेगी, लेकिन उससे पहले ही ये बयान सामने आता है। क्या कह दिया उन्होंने, आप खुद अपने कानों से सुनिए। जी सही कदम नहीं है। क्यों क्यों ऐसा लगता है? यूं के लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे, और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी, और इस वरना इसे ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। बेहतर यह है कि लड़कियों को जो जल्दी शादी कर दी जाए तो ज्यादा अच्छा है जी। मैं समझता हूँ सही, पहले से तो सती प्रथा, बाल विवाह ये सब भी चली आ रही थी, वो भी चलना चाहिए क्या? खैर, इनका ये बयान आपने सुन लिया। सपा सांसद एसटी हसन ने बर्क के इस बयान का समर्थन किया है। सोचिए जरा, कहते हैं कि शादी में देरी से आवारगी बढ़ेगी, एसटी हसन का ये बयान है। अब ये उनका बयान है, लेकिन ये तो हमारे अपने संस्कार है, माँ बाप किसको क्या संस्कार दे रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। हर आवारगी ऐसे नहीं बढ़ती, वैसे भी कितनी आवारगी है ये आप देखिए रहे, लेकिन हाँ एक हद तक, क्योंकि जब डिले होता रहता है शादी को और एक जो फिजियोलॉजिकल नीड है इंसान की वो पूरी नहीं होती, तो उसे पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आवारगी वाला फैक्टर भी सही है। मतलब हंसी आती है ऐसे बयान को सुनने के बाद कि ये जन प्रतिनिधि हैं और उम्र में इतने बड़े हैं और इनका ये अनुभव हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो इस पे क्या कमेंट करें? वाकई क्या नजदीक से किसी महिला को देखा और समझा है या उससे बातचीत की है? क्या परिभाषा है आवारगी की, स्त्रीलिंग है, पुलिंग है, क्या है, ये समझ से परे है भाई।
आगे बढ़ते बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने देश भर से आए महापौर से देश हित में काम करने का आग्रह किया। वाराणसी के ट्रेड फैसिलिटी सेंटर में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसका सब्जेक्ट था नया शहरी भारत। और पीएम मोदी ने हर साल 7 दिन के लिए नदी उत्सव मनाने की बात कही, जिसमें नदियों को तबाह होने से कैसे बचाया जाए इस पर मंथन होना चाहिए। साथ ही पीएम ने कहा कि गली में एलईडी बल्ब लगवाएं, बिजली की बचत करें, इससे नगरपालिका महानगरपालिका के बिजली के बिल को काफी कम किया जा सकता है, रोशनी भी ठीक मिलेगी, घरों में बिजली का बिल भी कम होगा। इसके अलावा पीएम ने हर शहर की अपनी पहचान बनाने पर भी जोर दिया, कहा कि अपने शहर की ब्रांडिंग वहां के प्रसिद्ध किसी उत्पाद के जरिए कीजिए। हम इवोल्यूशन में विश्वास करें, रिवॉल्यूशन की आज भारत को जरूरत नहीं है, हमें कायाकल्प की जरूरत है। पुराना सब तोड़ना, फोड़ना, खत्म करना ये हमारा रास्ता नहीं है, लेकिन पुराना जो कुछ भी है उसको संवारते हुए आधुनिकता की तरफ हम कैसे जा रहे हैं, आधुनिक युग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम कैसे आगे बढ़े, ये हम लोगों का प्रयास रहना चाहिए। पूरे देश में हर वर्ष स्वच्छ शहर की घोषणा होती है, लेकिन मैं देख रहा हूं धीरे धीरे कि कुछ ही शहरों ने अपनी जगह बना ली, अच्छी बात है, लेकिन बाकी शहर निराश होकर के बैठ जाए कि भाई। और अखिलेश यादव आज रायबरेली में रहे, बड़ी रैली को संबोधित किया और वहां उनसे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने कुछ खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। लाल देह लाली लसे और उधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, सियावर रामचंद्र की जय, पवनसुत हनुमान जी की जय। अमित शाह जी ने श्री रामचंद्र की जय करके अपनी जो भाषण की शुरुआत की और आपने हनुमान जी की। जहाँ भगवान राम हैं वहीं भगवान हनुमान जी हैं, जहाँ बजरंगबली जी हैं वहाँ स्वाभाविक है भगवान राम होंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है क्या उत्तर प्रदेश की जनता को जो वादे किए गए थे वादे पूरे होंगे कि नहीं होंगे। जब चुनाव में सरकार जा रही है तो संकल्प पत्र उनका कहाँ है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया है? तो चाचा और भतीजा तो एक हो गए, सपा प्रसपा एक हो गई, अब तो सब कुछ ठीक ही हो गया। लगभग ठीक है और मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी विकल्प के रूप में आज खड़ी है और जनता इनका समर्थन कर रही है। तो सीटों को लेकर कोई मामला? अखिलेश यादव की रथ यात्रा चल रही है और आप देखिए वो हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जुनून की हद तक अपने नेता को प्यार करते हैं और ये जुनून आपको सड़कों पर दिखाई देगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार ज़रूर दिखाएं इस जुनून को और दर्शक भी देखें, क्योंकि यही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इनकी ताकत हैं। जो ये आपको आवेश देखने को मिल रहा है और जो हमेशा जिस तरीके से ये कार्यकर्ता हैं एक झलक पाना चाहते हैं, एक ललक है, एक तलाश है कि अपने नेता को देख सकें, जिंदाबाद कर सकें, छू सकें। और आप देखिए अखिलेश यादव लगातार उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। एक जो उनके कार्यकर्ता हैं यही समाजवादी पार्टी की ताकत है और यही समाजवादी पार्टी की जो शैली है। मैं कहता हूं बार बार ये शाहरुख खान का डायलॉग नहीं, ये वीरेश पांडे का डायलॉग है कि अपने नेता को जुनून की हद तक प्यार करना कोई जानता है तो समाजवादी जानते हैं। अखिलेश जी ये जुनून है आपके प्रति या समाजवाद के प्रति या नेताजी के प्रति या समाजवादी पार्टी के प्रति, ये हमेशा से देखने को मिली? ये समाजवादी पार्टी के प्रति लगाव है और जनता ये जानती है कि पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी में अगर कोई सबसे ज़्यादा आगे है तो समाजवादी पार्टी है, क्योंकि नेताजी के समय से लेकर के आज तक समाजवादी पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाया है, ये भरोसा जनता को है, इसीलिए जनता का इतना समर्थन आज समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। और ये जुनून इसलिए भी है कि जनता बहुत परेशानी में रही, बहुत दिक्कतों में रही, इस सरकार ने भारतीय जनता पार्टी ने हर एक को परेशानी दी है,
हर तरह की दिक्कत पैदा की है, हर चीज की किल्लत है और लोगों के सामने जिल्लत का सामना करना पड़ा है, इसलिए जनता बदलाव चाहती है। एक बार फिर देखिए कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। गाड़ियों का तांता मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो बस के बाहर दिखाएं कि किस तरीके से चारों तरफ घर के ऊपर बालकनी में और सड़कों पर फूल माला लेकर गाड़ियों के अगल बगल, रथ के अगल बगल जो कार्यकर्ता नेता और जो जनता है वो अपने नेता को देखना चाहती है, एक झलक पाना चाहती है। और ये जुनून ही नहीं है तो और क्या है। आप देखिए गाड़ियों का तांता दूर तक जा रहा है और लाल टोपी जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ये रेड अलर्ट है, पता नहीं कैसा रेड अलर्ट है वो जाने, हम तो पत्रकार हैं, लेकिन ये रेड अलर्ट हो या जो भी हो, ये देखिए जो टोपी है वो लगातार बढ़ती है जा रही है। और अखिलेश यादव के एक झलक पाने के लिए आप देखिए छोटे बच्चे भी आए हुए हैं और मैं कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस रूप में छोटे बच्चे भी अखिलेश यादव का अभिनंदन स्वीकार करने आए हुए हैं। और देखिए अपने नेता को छू लेने और अपने नेता को पाने की एक चाहत है और देखिए कि किस रूप में फूल माला फेंका जा रहा है और हाथ मिलाया जा रहा है और उन्हें बुके दिया जा रहा है, फोटो सेल्फी ली जा रही है बस के बाहर। अखिलेश यादव का रथ धीरे धीरे रायबरेली, जो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का गढ़ माना जाता है, तथा ये छोटी बच्ची है ये अखिलेश यादव से मिलने आई है और ये देखिए गोदी में है और किस रूप में हाथ मिला रहे हैं अखिलेश यादव छोटी बच्ची से। ये प्यार है कार्यकर्ताओं का या जुनून है, ये क्या कह सकते हैं, इसकी अपनी अपनी भाषा होगी। लेकिन देखिए अखिलेश यादव अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और जनता जनार्दन का जिस तरीके से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं अखिलेश यादव, ये देखिए लोग सेल्फी लेना चाहते हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरूर दिखाएं, जनता जानना चाहती है कि आखिर जो रथ यात्रा निकलती है अखिलेश यादव की उसे कितना समर्थन मिलता है। ये ब्लैक कैट कमांडो हैं, देखिए उनको जद्दोजहद करना पड़ रहा है। ये छोटी बच्ची, एक और छोटी बच्ची आई है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा उसको भी दिखाएं। और देखिए अखिलेश जी कह रहे हैं कि गाड़ी रोको, मुझे अपनी इस छोटी बच्ची से मिलना है। ये समर्थक है, देखिए ये छोटी बच्ची अखिलेश यादव की समर्थक है और अखिलेश यादव से हाथ मिलाना चाह रही है, अखिलेश यादव की से हाथ मिलाकर वो खुश है। और देखिए फूल माला सब कुछ अखिलेश यादव पर फेंका जा रहा है। रायबरेली सोनिया गांधी के गढ़ में गरजे हैं अखिलेश यादव, चुनौती जो प्रियंका गांधी ने दिया था कि ये केवल और केवल ट्विटर के नेता हैं, तो उसका जवाब अखिलेश यादव दे रहे हैं। ये मत कहो, इतना मत कहो, ये ट्विटर का जवाब नहीं है, ये रायबरेली की जनता ने समाजवादियों पर हमेशा भरोसा किया है और जब समाजवादियों ने समर्थन भी दिया है तब भी समाजवादी पार्टी के नेताजी और समाजवादी पार्टी का यहाँ की जनता ने सम्मान किया और कांग्रेस का समर्थन किया है। लेकिन विधानसभा के चुनाव में ये जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बने, सरकार बनेगी तो किसानों के लिए काम होगा, बिजली सस्ती होगी, नौजवानों को नौकरी रोजगार के अवसर होंगे। यही जनता लालगंज की जानती है कि एम्स यहाँ बनना था तो ज़मीन समाजवादी पार्टी ने उपलब्ध कराई, कांग्रेस ने कहा कि हमें रायबरेली में ज़मीन चाहिए तो रायबरेली में ज़मीन उपलब्ध कराई, जिसका परिणाम यह हुआ कि रायबरेली को एम्स मिला। 2012 में 6 सीटों में से 5 सीट समाजवादी पार्टी जीत गई थी इसी रायबरेली में, और ये इतिहास क्या फिर अखिलेश यादव दोहराएंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार रायबरेली में 100% सीटें समाजवादी पार्टी पक्ष में जाने वाली हैं। प्रियंका जी कहती हैं कि अखिलेश जी चुनाव लड़ते हैं, मैं जमीन पे लड़ती हूँ, लेकिन जमीन तो दिख रहा है, जमीन पे तो कार्यकर्ता दिख रहे हैं। हमारी उनसे कोई तुलना नहीं है, ना हमारा कोई उनसे झगड़ा है। उनका काम करने का तरीका अलग है, हमारा काम करने का तरीका अलग है। उनका अपना जो संगठन है वो काम करेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास जमीन पर संगठन है, जमीन पर लोग हैं, और अगर जमीन पर लोग ना होते और जमीन की बातें ना करते तो शायद ये जन समर्थन न दिखाई देता इतना। निश्चित रूप से अखिलेश जी, आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि समाजवाद राम राज्य नहीं ला सकता, गुंडा राज लाता। जो राम राज्य की परिकल्पना है, अगर राम राज्य लाना है तो सबसे सूत्र बनेगा समाजवाद से। जो राम राज्य है वही समाजवाद है और राम राज्य की परिकल्पना ही समाजवाद को लाना है। तो सीएम साहब एक बार फिर दिखाइए, एक बार फिर गाड़ी रुकती है, रथ रुकता है और फिर
जनता का समर्थन आपको देखने को मिलेगा। ये अखिलेश यादव की शैली है, रथ की शैली है। जब रथ चलती है तो उसके इर्द गिर्द देखिए ये आवाज, ये जुनून, ये उत्साह हमें तो केवल इस तरह की यात्राओं में जरूर देखने को मिलती है। और आप देखिए जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे। आपको ये भीड़, मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा, ये भीड़ मैं लगातार बूथ से चल रहा हूं, टोल बूथ से चल रहा हूं, ये ताता टूटा नहीं है भैया। ये लगातार लाल टोपी दिख रही है मुझे, निष्पक्ष पत्रकारिता अगर कहूं तो ये लाल टोपी लगातार चल रही है। और जुनून की हद तक ये प्यार करने वाले साथ साथ चल रहे हैं अखिलेश जी, ये जो भाव है क्या रंग लाएगा? ये समर्थन है, ये लोग चाहते हैं बदलाव, ये चाहते हैं उत्तर प्रदेश की खुशहाली। इन्होंने देखा है कि इनकी कमाई आधी हो गई है, महंगाई दोगुनी हो गई है, ये परिवर्तन चाहते हैं। ये परिवर्तन लाने वाले लोग हैं जिससे कि उत्तर प्रदेश को कम से कम ऐसी सरकार मिले जो प्रोग्रेसिव हो, जो काम करे, जो विकास करे, जो जनता का दुख सुख समझे। अमित शाह जी कह रहे हैं कि समाजवादी सरकार में तो कोई काम ही नहीं हुआ, केवल जातिवाद फैलाया जाता है। समाजवादी पार्टी ने कभी जात के आधार पर काम नहीं किया, लेकिन जात के आधार पर फैसलों का झूठा प्रचार कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ठोको राज और जाति को लेकर के राज अगर चल रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का है। अच्छा, आपको लगता है कि शिवपाल जी के आने से आप लोगों को जो रास्ता है वो सुगम हो जाएगा? देखिए उनके आने से, और उनका भी एक दल है, क्षेत्रीय दल है, समाजवादी पार्टी का पहले दिन से कोशिश थी कि जो समाजवादी पार्टी से मिलती जुलती जो विचारधाराएं हैं उन सभी क्षेत्रीय दलों को साथ लाया जाए। उसी कड़ी में आज उनका दल भी समाजवादी पार्टी के साथ है। सीटों को लेकर कोई बात? सीटों की जब बातचीत हो गई तभी गठबंधन तय हुआ है। 24 घंटे काम करने वाली सरकार क्या काम कर रही है? ये 24 घंटे वाली सरकार केवल बेरोजगारी और लोगों को काम छीन रही है लोगों का। अगर 24 घंटे काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी तो आखिरकार बेरोजगारी क्यों है? 24 घंटे काम कर रहे हैं तो इतनी महंगाई क्यों है? 24 घंटे काम कर रहे हैं तो बोरी में से खाद की चोरी क्यों है? 24 घंटे अगर काम कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल जब आता है तो करंट लगता है। अगर 24 घंटे काम कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा थानों में कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर वन क्यों है? अगर वो 24 घंटे काम कर रहे हैं तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से नोटिस क्यों मिल रहे हैं? 24 घंटे काम कर रहे हैं तो बताओ सरकारी संपत्ति क्यों बिक रही है? आखिरी सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री के साथ साथ सारे मुख्यमंत्रियों को भी यहाँ उतार दी। ये जैसे जैसे हार का डर सताएगा भारतीय जनता पार्टी को, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देंगे। आप संजय निषाद जी को भी साथ लेंगे? वो बीजेपी के साथ हैं, कभी हमारे साथ थे, हमें धोखा देकर के उधर चले गए, तो क्या उम्मीद करोगे ऐसे लीडरशिप पे? जो कागजी पिछड़े हैं उनके पीछे चल रहे हैं वो, जो कागजी पिछड़े हैं लोग, जो पिछड़ों को कभी न्याय नहीं दिला सकते, जो पिछड़ों का कभी सम्मान नहीं दे सकते, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और वो ऐसी को लेंगे उनकी पार्टी हमारे साथ नहीं आ सकती। पार्टी का फैसला है कि उनके दल को साथ लाना कोई अच्छा फैसला नहीं है। आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी इस बार कितनी पार? भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होगा। और सपा का हो सकता है जिस तरह की नाराजगी है जनता में, जो आक्रोश है, 400 सीटें भी गठबंधन जीत जाए। 400 सीट अखिलेश यादव, एक बार फिर कैमरामैन से कहूंगा कि दिखा दें इस जनता को और उसके बाद से ये इंटरव्यू का खत्म करें हम। तो ये अखिलेश यादव को मिल रहा है जन समर्थन का एक नमूना है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वीरेश पांडे, रायबरेली। तो ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे को आपने देखा किस तरीके से रायबरेली में विशाल जन समूह के बीच जब उनकी रथ गुजर रही थी, किस तरीके से लोगों का प्यार मिल रहा था अखिलेश यादव को। बड़ी बेबाकी से कई सवालों का उन्होंने जवाब भी दिया है। विपक्ष में रहकर जिस तरीके से जिन सवालों से वो रूबरू हो रहे हैं उसका जवाब बड़ी बेबाकी से दिया उन्होंने। चाहे इस बात का जवाब हो कि इतना जन समर्थन मिल रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो उनका यही कहना है कि महंगाई से त्रस्त है जनता और रोजगार की कमी है और इसी की उम्मीद वो सपा में देखते हैं। सरकार आने पर ये उम्मीद पूरी होगी। इसके अलावा चाचा शिवपाल से गठबंधन पर भी उन्होंने बात कही और कहा कि समान विचारधारा वालों को साथ में देखना चाहते हैं। निषाद पाठी पर भी उन्होंने कहा कि पहले हमारे साथ थे, अब वो बीजेपी के साथ हैं, उनकी मर्जी।
और कांग्रेस पर भी उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी की रणनीति अलग है, काम करने का तरीका अलग है, उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करना है और हमारा तरीका अलग है। राम राज्य पर भी कहा कि राम राज्य लाना है तो सपा की सरकार में वो तमाम मंसूबे पूरे होंगे, चाहे युवाओं के रोजगार का जिक्र कर लीजिए या महंगाई की मार, इन सबसे निजात पाने के लिए दावेदारी पेश करते नजर आए। एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में अखिलेश यादव ने खुल करके इन तमाम सवालों के जवाब दिए और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये रायबरेली की हैं। तो चलिए हम रुक करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का और उनसे जानते हैं कि वीरेश, जैसा कि तस्वीरों में दिख रहा था, आपने जिक्र किया कि पैशनेट हैं लोग सपा के लिए और वो जन समूह में दिखाई देता है वो जुनून। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कही है और मैं आपको बता दूं कि आज संजय निषाद निषाद पार्टी के साथ अमित शाह की एक बड़ी रैली लखनऊ में अभी खत्म हुई है रमाबाई अंबेडकर मैदान पर और साफ साफ डॉक्टर संजय निषाद पर आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वो धोखेबाज हैं। डॉक्टर संजय निषाद धोखेबाज हैं, पहले वो मेरे साथ थे अब वो भाजपा के साथ हैं और ऐसे लोगों पर क्या भरोसा किया जाए। डॉक्टर संजय निषाद के साथ एक बड़ी रैली रमाबाई अंबेडकर मैदान में अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ आज हुई है, उस पर प्रहार करते हुए डॉक्टर संजय निषाद को धोखेबाज बताया है अखिलेश यादव ने। और एक और बड़ी खबर, ओवैसी क्या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होगा? उन्होंने कहा ओवैसी के साथ समाजवादी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं होगा, न था न भविष्य में होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यह तय कर रखा है कि ओवैसी के साथ चलना अच्छी बात नहीं है, वो अच्छे राजनेता नहीं है, इसलिए हमारा उनके साथ न भविष्य में होगा न पहले था कभी नहीं होगा। ये दो महत्वपूर्ण विषय। प्रियंका गांधी पर उन्होंने कहा कि वो उनकी जमीन, जो भी वो बात करें कि मैं ट्विटर का नेता हूं, लेकिन जमीन देखिए, जमीन पे हमारे लोग हैं और इस बार 2012 में 6 में से 5 सीट सपा जीती थी, इस बार पूरी सीट सपा जीत लेगी, यानी रायबरेली, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी।